हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक शो टू में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है अचानक से कभी, तो यहाँ पर ये क्यों आता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट एंड तक देखिए। अगर गाइस स्किप करेंगे वीडियो आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये जो प्रॉब्लम आती है जब आपका फ़ोन यहाँ पर केबल से कनेक्टेड है कंप्यूटर से, और यहाँ पर एसडी कार्ड यहाँ पर अंदर आपके फ़ोन में है, और यहाँ पर अचानक से आप अगर आप डेटा कनेक्शन निकाल देते हैं तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो एंड्रॉयड फ़ोन आपको खुद बोलता है रिस्टार्ट योर फ़ोन, आपका फ़ोन रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है। एंड एसडी कार्ड वॉज रिमूव्ड अनसेफली, यानी आपका जो एसडी कार्ड है वो अनसेफली रिमूव हो चुका है। अचानक फ़ोन को रिस्टार्ट होने से बचाने के लिए आपको, या फिर जो आपने अनसेव किया है डेटा उसे सेव करने के लिए रिस्टार्ट करना होगा, ऐसा आपको नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर गाइस आपको सिंपली यहाँ से रिस्टार्ट कर लेना होगा, जिससे गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपका ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आपका एसडी कार्ड नहीं दिख रहा तो यहाँ पर रिस्टार्ट करने से वो दिख जाएगा आपके फ़ोन में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। थैंक यू वेरी मच।